देखो गाइस, जितना आसान फ्री स्टाइल डांस करना होता है उतना मुश्किल फ्री स्टाइल रैप करना होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते फ्री स्टाइल रैप के बारे में, और जो जानते हैं उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आज उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे। फ्री स्टाइल का मतलब है आप आ रहे हैं अपने स्टाइल में, अपने स्वैग में, अपना राइमिंग लेकर, अपने वर्ड्स लेकर, और ऑन द स्पॉट आपको उधर रैप करनी होगी। इसमें आपके पास कोई स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, और इसमें बैटल्स भी होते हैं तो वो फ्री स्टाइल ही होते हैं ज़्यादातर। लेकिन बहुत सारे रैपर्स क्या करते हैं, पहले ही वो अपना जो भी उनको बोलना है वो लिख लेते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट बीट के ऊपर, वो या रैंडम बीट हो सकती है, कैसी भी बीट के ऊपर उसको वो करते हैं। इसको हम फ्री स्टाइल नहीं बोलेंगे, इसको हम फ्री वर्स बोलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि फ्री स्टाइल जो रैपिंग होती है, इसके अंदर आपको रैंडमली एक अपना रैप निकालना पड़ता है, रैंडम बीट के ऊपर आपको करना होता है, और आपको सडनली सामने वाले को देखकर आपको रैप करना होता है। इसके अंदर मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री स्टाइल है तो कुछ भी आप बोल रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी टांग हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको मीनिंग के साथ करना है। अब देखो गाइस, अभी MTV हसल के जो रजिस्ट्रेशन निकले हुए हैं, आप चाहे तो उनको फिल कीजिए, जाइए अपना, अगर आपके पास टैलेंट है तो दिखाइए। मैं तो चाहता हूँ कि आप जाइए, ऐसे शो के अंदर बहुत कम मौका मिलता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा MTV हसल के रजिस्ट्रेशंस निकले हुए हैं, और मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी इसमें बता देता हूँ। आपको वूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और थोड़ा स्क्रोल करना है तो नीचे आपको मिल जाएगा MTV हसल 2.0 के रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक रैपर हैं, रैप करते हैं, तो फिर आप जरूर उस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, बिकॉज वो फ्री है। किसी भी तरह का कोई पैसा, किसी भी तरह की कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली, और उनको अगर पसंद आती है आपकी स्टाइल, आपका रैप, तो फिर आप सिलेक्ट होंगे सेकंड राउंड के लिए। और फिर आपको, मतलब अभी तो कोई हाइप नहीं बनी हुई है, जब वो हाइप बनेगी तो फिर लोग कहेंगे कि भाई हमें बताओ रजिस्ट्रेशन के बारे में, अभी निकले हुए हैं, अभी लोगों को पता नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आपको पता चल गया है, जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने फिर से वही टॉपिक के ऊपर, जो फ्री स्टाइल होता है। इसके अंदर आपको अपने वर्ड्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ, अपनी राइमिंग के साथ आना पड़ता है, और सडनली एट द मोमेंट आपको वो करके दिखाना पड़ता है। बीट के साथ रहिए, बीट में आगे पीछे मत करिए, और टेम्पो आपको पता होना चाहिए कि आप किस टेम्पो से ये फ्री स्टाइल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। इसमें कुछ रैपर्स इसको स्टाइलिश बनाने के लिए डांस भी करते हैं, और डांस के साथ वो रैप करते हैं तो बहुत मस्त लगता है उनको देखना भी और उनकी रैप सुनना भी। अब देखो, फ्री स्टाइल में अगर राइमिंग नहीं जुड़ रही तो ज़रूरी नहीं कि आप राइमिंग जोड़ने की ही कोशिश करें। इसमें ज़रूरी होता है कि आप फ्रिक्वेंटली बोल रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं उसका एक मीनिंग है, ये ज़रूरी होता है। राइमिंग, देखो राइमिंग जोड़ने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए, आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है तो फिर आप बहुत सारा निकाल सकते हैं अंदर से, लेकिन अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो फिर आपको मीनिंग के साथ करना है ये। इसको हम फ्री आर्ट्स भी बोलते हैं, जो अभी अभी आपने निकाला है या फिर बोला है। गाइस, ये फ्री स्टाइल है, ये कोई नया नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं आई है, ये बहुत पहले से, जब से हिप हॉप है तब से इसकी शुरुआत हो गई है। और जो बाद में जो आए हैं, जो मतलब रिलिक्स को लिख के बाद में जो रैप करते हैं, ये बाद में आया, नहीं तो पहले फ्री स्टाइल हुआ करता था। और अगर आप फ्री स्टाइल करना चाहते हैं, आपने अभी अभी शुरू किया है, मतलब अभी आप बिगनर हैं, आप बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिकली मैं वीडियोस भी बिगनर्स के लिए ही बनाता हूं, तो एडवांस को तो वैसे भी इन सब चीज़ों का पता ही होता है। जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, घुसना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ होती हैं, उनके लिए ही रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो अगर आप नए नए घुसे हैं, नए नए आप फ्री स्टाइल करना चाहते हैं, फ्री स्टाइल रैप करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा मत सोचिए कि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो परफेक्ट आप अपने आप हो जाएंगे। और अगर आप फ्री स्टाइल करें तो ज़रूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड राइमिंग करना कंपलसरी है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, मीनिंग होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, और जो सामने वाला जिसको आप बोल रहे हैं उसके अंदर तक जाना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो बात बोली है बंदे ने। और अभी तो आप 2 या 3 स्लैब्स के अंदर ख़त्म कर सकते हैं अपने राइमिंग को, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए 3-4 स्लैब्स के अंदर उसको ख़त्म करना। जब आप 3-4 स्लैब्स के अंदर ख़त्म करते हैं
तो वो मोर स्ट्रॉन्ग लगता है और इससे आपकी टेक्निलिटी का भी पता चलता है कि भाई आप कितने टेक्निकल हैं। इसलिए कोशिश कीजिए 4 या 5 स्लैब्स के अंदर उसको खत्म करने का, वो ज्यादा अच्छा लगता है। देखो कुछ बेसिक टिप्स बता देता हूं, बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बेसिक टिप्स यही है कि आप मेट्रोनियम का यूज कीजिए और मेट्रोनियम आपको गूगल पे मिल जाएगा। सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे, मेट्रोनियम आपके सामने आ जाएगा। उसका टेम्पो 90-85 सिलेक्ट कर लीजिए, उसको प्ले कीजिए। उसमें टिक 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 का साउंड होगा और उस साउंड में जैसे आप बिल्कुल बिगनर है, अभी आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, तो आप उसमें क्या है, जो भी आपका डेली रूटीन है वो बोलना स्टार्ट कीजिए और आप बीट और आपके वर्ड्स दोनों को मैच करिए। जब वो मैच करेंगे फिर धीरे धीरे आप किसी स्टोरी और मेट्रोनियम के साथ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप जो भी डेली लाइफ में होता है उसके उसको राइमिंग के साथ करने की कोशिश कीजिए, आप फ्री स्टाइल रैप करना स्टार्ट कर देंगे। और कोशिश कीजिए जितने भी बड़े बड़े रैपर्स हैं जो फ्री स्टाइल रैप करते हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ यही बेसिक टिप्स हैं, बाकी तो गाइस सब प्रैक्टिस से आता है। सिंगिंग हो, रैपिंग हो या फिर डांसिंग हो, सब कुछ प्रैक्टिस से ही आता है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग हर तरह की अपडेट मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।